कलाकार जहां हाथ फेरते वहां कोई ना कोई तस्वीर जरूर उभर आती है। रंगों का बेमिसाल इस्तेमाल हो या फिर किसी पेंटिंग को बनाने के पीछे गजल की सोच, रंग बदलते मौसम हो या जिंदगी में किसी के आने की आहट, इन सभी को कैनवस पर उतारना सबके बस की बात नहीं। ये काम तो रंगों के साथ खेलने वाला ही कर सकता है, और ऐसी ही शख्सियत है गीता वढेरा। गीता, अपने बचपन के बारे में बताएं। घर में बचपन से ही माँ ने रंगों के साथ खेलने का पूरी सुविधा हमें दी हुई थी। सुविधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर बहुत पुश पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिलता है, बहुत फ्रीडम था, बहुत स्वतंत्रता थी जिसे कहते। तो कटोरों में रंग घोले जाते थे और अखबार के कागज़ दे दिए जाते थे और हमें कहा जाता था कि आप पेंट करो, क्योंकि वो खुद प्रोफेशन से एक पेंटर थी। मैं आई एम बॉर्न ऑफ एन आर्टिस्ट मदर और मेरे फादर भी फोटोग्राफी में थे। तो वो हम लोग शुरू से ही ऐसे माहौल में बड़े हुए जिसमें ज़्यादा सोच ये होती थी कि अब नेक्स्ट कौन से कंपटीशन में भेजना है, और इसी तरह से डेवलप हुआ। क्या आपने पेंटिंग करना कहीं से सीखा है? मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैंने 5 years आर्ट कॉलेज से स्पेशलाइज किया और मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट रही वहाँ पर, और वक्त से पहले ही नौकरी में प्रवेश हो गया। मैं कमर्शियल आर्ट में मैंने स्पेशलाइज किया था। मैं फाइन आर्ट्स की तरफ निकल गई क्योंकि मुझे लगा ये मेरी पहचान मुझे आसानी से मिलती है इसमें, और वहाँ की ट्रेनिंग के बाद मैं बाहर चली गई पढ़ने। मैंने कुछ और भी स्टडी किया, फोटोग्राफी में किया और विजुअल कम्युनिकेशन में किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो ट्रेनिंग से भी एक स्टेप आगे होता है। क्योंकि जो भी पढ़ कर आप कॉलेजेस में से निकलते हैं, जब आप अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होते तो आपको महसूस होता है कि मिट्टी वही है और सौंधी मिट्टी में खुशबू मुझे डालनी है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है एंड थिंग्स आर रियली रियली चेंजिंग। अब इतना चेंज हो रहा है कि अगर मोबला आज के न्यूज़पेपर में था कि वो गांधी का एम्बलम डाल रहे हैं, तो हर क्षण हम नए से नए डिज़ाइंस, एंड डिज़ाइनिंग इज़ अ फील्ड यू नो जो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कभी भी इंसान अकेला नहीं महसूस करता। और ये कितनी परिधियों के साथ, कितने प्रोफेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप घर की ज़िंदगी गुजार रही हैं, कभी तो आप घर में तो घर के भी शौक हैं जो वो आपको, अगर आपके अंदर आर्ट है और आप जीना चाहते हैं तो आप उसको भी ढंग से जिएंगे, आप किसी रिश्ते को भी ढंग से जीने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि वुमन इज़ रियली ब्लेस्ड और आर्टिस्ट इज़ फर्दर ब्लेस्ड। उसको इस चीज़ का आशीर्वाद होता है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत संपूर्ण तरीके से जी सकता है। आपने ऑयल पेंटिंग करने के लिए ही क्यों सोचा? ऑयल पेंटिंग से पहले मैंने एक्रेलिक भी अटेम्प्ट किया, और उससे पहले मैंने टेपेस्ट्री भी यूज़ किया, कपड़ा काट करके। और ये जिस थीम को मैं एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट करती हूँ या जो थीम मुझे बुलाती है कि इस पर मैं काम कर सकूँ, अगर वो सूफियाना है और वो बुल्ले शाह की बात है तो मुझे कैलीग्राफी में मज़ा आता है। कैलीग्राफी किया मैंने उन पेंटिंग्स को, और अगर वो ईसोवासी उपनिषद है और मुझे लगता है कि जैसे मुझ पर कुछ शब्द काढ़े गए हैं तो मैंने वहाँ कपड़े का इस्तेमाल किया। अगर मुझे ये लगा कि ये इसमें बहुत झीनापन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता, तो मैंने उसमें फिर डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल किया। सो इट ऑल डिपेंड्स, ये सब निर्भर करता है कि मैं क्या आगे पेंट कर रही हूँ। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मेरे कुछ देखने वालों को भी। पेंटिंग करते समय आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है? इंस्पायर यही वो लम्हा करता है जिसमें मैं अच्छी तरह से सोच पाई, जिसमें मैंने अपने साथ साक्षात्कार किया, जिसमें मैंने ये महसूस किया कि मैं और सोच दो नहीं हैं और मैं एक हूँ। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा, जैसे प्रेग्नेंट साइलेंस होता है, जैसे मौन की एक आवाज़ होती है, इवन जब बेबी भी वूम में होता है औरत के, तो वो जो कुछ कहना चाहते हैं, वो लम्हे जो मुझे कुछ दे पाते हैं। यूँ तो आप पूरा दिन गुजारते हैं, बहुत थोड़े से वो वक्त होते हैं जो आपको याद रहते हैं, चाहे आपको किसी से आपकी मीटिंग हो, आपने कोई किताब का एक पन्ना पढ़ा हो, या आपने कुछ ऐसा जिया हो, भोगा हो,
जीवन में जो आपको कुछ दे पाए, तो आई थिंक वहीं से सारी प्रेरणा निकलती है मेरे केस में। क्या आप कोई पैटर्न या सीरीज के हिसाब से पेंट करती हैं? पैटर्न तो नहीं पेंट करती, क्योंकि पैटर्न से तो डिज़ाइन हो जाएगा। सीरीज से मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे सभी काम जो हैं वो सीरीज बेस्ड हैं। कहीं पर जैसे मैंने बताया कि कबीर पर काम किया है या और सुफियाना कलाम पर काम किया है, तो वो सारे ही सीरीज बेस्ड हैं। थारो थार राजस्थान ट्रैवल किया तो वहाँ पर मुझे थारो थार से मैं प्रभावित हुई, थार से, तो मैंने एक सीरीज़ वो बनाई है राजस्थान के साथ। राजस्थान की डेजर्ट के ऊपर जो निशान हैं, जैसे वक्त ने हम पर निशान छोड़ दिए हैं, उनके जो पुराने रस्टिक दरवाजे हैं, हमारे ही अंदर की जो दहलीजें हम पार करते हैं रोज़, उनको लेकर के मैंने उससे जोड़ा है। तो इस किस्म से कई एक सीरीज़ हैं। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती हैं पर अभी तक कर नहीं पाई? मैं पायलट बनना चाहती हूँ और मैं प्लेन फ्लाई कर उड़ाना चाहती हूँ, और अभी तक मेरे पास कोई उसके लिए ट्रेनिंग नहीं है, और ये मेरा एक छोटा सा सपना है। शायद हम कभी इस काबिल हों कि हमारा अपना प्राइवेट कॉप्टर हो और मैं उसे उड़ा रही हूँ, क्योंकि मैं महसूस करना चाहती हूँ कि ऊपर कैसा महसूस होता है। एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल ड्रीम कम ट्रू इफ इट हैपेंस। आज आप खुद से कितनी संतुष्ट हैं? सेटिस्फाइड हूँ 50-50। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कहूँगी कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ तो शायद कहीं पर रुक जाऊँगी, इसलिए कहती हूँ कि आधी हूँ। लेकिन फिज़िकली अगर महसूस किया जाए कि इतनी जर्नी गुजार ली है या इतना वक्त गुजर गया उम्र का और आपको क्या लगता है, तो मैं कंपैरेटिव्स भी देखती हूँ और मुझे महसूस होता है कि मैं कर पाई हूँ जो मैं चाहती थी, कुछ हद तक मैंने अचीव कर लिया हो। और वो ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल से या एग्जिबिशन से या किसी और ऐसी चीज़ से जिसका जिस्मानी रूप है पता लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं पेंट नहीं कर सकती। लेकिन वो उसका काम है, ऊपर बैठा है, और मैं अपना काम करती हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि हम लोग दोनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, और वो जुड़ना सिर्फ कैनवस पर ही होता है। एंड आई मीन टिल सच टाइम जब हम एक दूसरे के करीब महसूस करें, मैं और खुदा, तो बात बनती है। एंड आई फील आई एम सक्सेसफुल, यू नो। और अगर ये जुड़ना बंद हो जाता है तो महसूस होता है कि मैं तो और साधारण सी जिंदगी जी रही हूँ, मैं असाधारण होना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई कभी फियर नहीं महसूस होता। मैं बिल्कुल एक महसूस करती हूँ और इन एब्सोल्यूट के साथ, जिस वक्त मैं पेंट कर रही होती हूँ उस वक्त मैं अपनी बेस्ट फॉर्म में होती हूँ। एक पेंटर बनने के लिए कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? खूबी तो क्या कहा जाएगा, ये खूबी होनी चाहिए कि आप कुछ ऐसा करें कि दूसरे लोग कहें कि बहुत खूब। आप आगे क्या कर रही हैं? मैं अभी रिसेंटली कोई एक पेंटिंग की सीरीज बना रही हूँ, अभी मैंने उसको टाइटल नहीं दिया। बहुत से टाइटल्स दिमाग में हैं मेरे, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि शाह शब्द, जैसे हज़रत शाह न्याज थे या बुल्ले शाह थे, तो उनके जो लफ्ज़ हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और शाही महसूस करती हूँ, रॉयल, वो कितने रिच हैं अपने आप में, हालाँकि वो फ़कीर थे, यू नो, वो लोग सब सूफ़ी थे। तो उस पर एक पूरी परिकल्पना और संयोजना कर रही हूँ, एक पूरी सीरीज है और उसको प्लान कर रही हूँ, एग्जिबिट करूँगी जल्द। एक औरत के तौर पर अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा? एज अ वुमन बहुत डिमांडिंग रही, मुझे लगता है कि हर रिश्ते ने मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड किया है, शायद उसी वजह से स्ट्रगल का पीरियड ज़्यादा रहा। एज अ डॉटर बहुत डिमांड, एज अ चाइल्डहुड बहुत डिमांड किया, और बहुत जल्दी से अपने आप को तैयार कर लिया किसी भी चीज़ के लिए। और अभी मिड एज में भी लगता है कि चीज़ें बहुत डिमांड कर रही, हर एक सिचुएशन जो है वो बहुत मांगती है, लेकिन उसे थकिए मत,
ऐसा लगता है। अपने आप को भी कहती हूँ, दूसरे को भी सजेस्ट करूँगी, ये वही आपको कैपेसिटी देता है, वही आपकी क्षमता बनाता है कि बाद में आप महसूस कर सकें कि मैं इन बावजूद इन सब चीज़ों के मैं ये कर पाई। आप आज की महिला से क्या कहना चाहेंगी? आज की महिलाओं को संदेश देने के लिए और भी महिलाएं हैं, मैं इंदिरा नुई के परिवेश में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी काम आप कर रही हैं, आप इस बात को जहन में ज़रूर रखिए कि नारी होने से आप ये ना महसूस करें कि आपको ऐसे प्रश्नों में उलझाया जा सकता है कि आप नारी होने की वजह से कैसा महसूस करती हैं। उससे भी पहले आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनिए, ताकि आप पहले अपने आप को कह सकें कि हम लोग एक ही कुल प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत से मर्द हैं जो या बहुत सी नारियां हैं जो पूरी पूर्णता जीवन नहीं जी रही हैं, तो इसमें कोई नारी और नर होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि हम जो भी काम करें उसमें जब तक हम अपने आप को पूरी तरह सोख नहीं करते हैं, तब तक हम उसका बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है जो भी काम करें, क्योंकि डिमांड्स बढ़ रही हैं, घर के लेवल पर बढ़ रही हैं, बच्चों के साथ बढ़ रही हैं, पढ़ाइयों में बढ़ रही हैं, आदमी ने बहुत सारे झमेले रोज़ के बंधन बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए ज़रा सा भी समय निकाल पाते हैं, तो आप उनको बंधन नहीं बल्कि आपको रुचिकर मज़ा आने लगेगा उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होकर जीने में। बट कनेक्शन विद योरसेल्फ एंड ट्रू टू योरसेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप, किसी संबंध के लिए, किसी जीवन के लिए और किसी काम के लिए। मुझे लगता है संबंधों की सच्चाई बहुत आवश्यक है और ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जब भी आप अपने आप को पूरी तरह से देख पाती हैं, आप और ज़्यादा खूबसूरत महसूस करती हैं। उसके लिए आपको फिजिकल ब्यूटी या बहुत ढेर सारी उपलब्धियाँ या किसी भी और सब चीज़ें आपसे निकलती हैं, ना कि चीज़ों से आप निकलते हैं। सो लिहाजा मुझे लगता है कि जब आप पूर्ण सच होते हैं, तो आपकी जर्नी आपको आगे लेके ही जाएगी और आपका सक्सेस उसी पर निर्भर करता है।